भरतपुर की कैदवाड़ा थाना इलाके में शनिवार सुबह दो युवकों के ऊपर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों युवकों के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद घना पक्षी विहार से एक वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण टीम ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं फिर भरतपुर के DFO का सवाई माधोपुर की रेस्क्यू टीम व अलवर से सरिस्का टीम को बुलाया गया, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पैंथर के पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कैदवाड़ा थाना इलाके के डावक गांव के दो युवक ऋषिकेश और राहुल सुबह 5 बजे खेतों में गए थे। रास्ते में उनके सामने तेंदुआ आ गया। दोनों युवक उसकी आवाज सुनकर घबरा गए। अंधेरे की वजह से तेंदुए की सिर्फ आंखें चमक रही थी। इतने में तेंदुए ने दोनों युवकों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में दोनों युवकों की छाती, मुंह, हाथ पर घाव हुए हैं। दोनों युवक मौके से जैसे तैसे भागे और अपनी जान बचाई। युवकों के चिल्लाने की आवाज सुन ग्रामीण लाठी डंडे लेकर खेतों की तरफ गए। इतने में तेंदुआ खेतों की तरफ से भाग गया। वहीं कैदवाड़ा थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया है कि टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर सरिस्का अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य ले गए हैं। ऐसा तो कैथोड़ा ने सूचना दी कि डाबक गांव में इस दो लड़कों पे पैंथर ने हमला कर दिया है। इसी खिलाफ में आया और हमने कंट्रोल को बताया, अधिकारियों को सूचित किया। इस पर गन्ना की रेस्क्यू टीम लेकर श्रीमान DFO साहब पहुँचे और सरीक्षा की टीम आई और काफ़ी लोग गांव के भी इकट्ठे हुए और ट्रेकुलाइज करके और गाना और सरिस्का की टीम ने तेंदुए को दाब के जंगलों से आज ट्रेकुलाइज करके और पिंजरे बंद करके दिया।